मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। महिला रेसलर साक्षी मलिक ने गुरुवार यानी 21 दिसंबर को अचानक संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। दरअसल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI का चुनाव होने के बाद साक्षी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इस चुनाव में संजय सिंह ने जीत दर्ज की थी जो पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी बताए जा रहे हैं, जबकि साक्षी, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट समेत कई रेसलर काफी समय से ब्रिजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इन सभी की मांग थी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसी महिला को होना चाहिए। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। आखिर कौन है साक्षी और उसकी जर्नी क्या रही, आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। साक्षी मलिक एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। साक्षी का जन्म 3 सितंबर 1992 को हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गांव में हुआ था। उनके पिता सुखबीर दिल्ली परिवहन निगम के बस कंडक्टर थे। माँ सुदेश मलिक सानी स्वास्थ्य क्लिनिक में पर्यवेक्षक थी। रेसलर साक्षी मलिक ने 12 साल की उम्र में ही छोटू राम स्टेडियम रोहतक के एक अखाड़े और कोच ईश्वर दहिया के साथ कुश्ती की ट्रेनिंग ली थी, मगर इसी दौरान साक्षी ने रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद सितंबर साल 2016 में साक्षी ने विश्वविद्यालय के कुश्ती निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया था। फिलहाल साक्षी मलिक भारतीय रेलवे के दिल्ली मंडल के उत्तर रेलवे क्षेत्र में कार्यरत है। साक्षी मलिक का रेसलिंग करियर बहुत ही शानदार रहा है। साक्षी मलिक को सबसे बड़ी पहचान साल 2016 के रियो ओलंपिक से मिली थी, जब उन्होंने 58 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। बता दें कि वो ये मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। हालांकि WFI चुनाव के बाद साक्षी ने रोते हुए PC में कहा था कि लड़ाई पूरे दिल से लड़ी लेकिन नतीजा कुछ और रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।